हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। इनफैक्ट ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक हम बनाते हैं क्योंकि हम छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहते हैं जो कि बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वैसे ही ब्लड कैंसर भी है जो कि छोटे से शुरू होती है और बड़े तक जाती है। जब ये छोटी सी होती है ना, तब हमारा बॉडी हमें सिग्नल देता है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, जिसके बाद ये बड़ी बन जाती है, ये प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो, कैंसर जो होता है ना, वो ख़राब सेल्स होती हैं। जब हमारी बॉडी ख़राब सेल्स बनाने लगती है तो उसे कैंसर कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल लिम्फोमा ब्लड कैंसर के बारे में, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। ये खतरनाक किस्म का कैंसर होता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ 2013 में ही लिम्फोमा के 70,740 के लगभग मामले सामने आए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है, अगर हमें सही समय पर इसके बारे में, इसके लक्षणों के बारे में पता चल जाए ना, तो हम इससे आसानी से बच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि लिम्फोमा का ब्लड कैंसर में एक्चुअली होता क्या है। लिम्फोमा जो ब्लड कैंसर है, वो सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करता है, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएँ होता है ना, उसमें सबसे पहले फैलता है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में जो ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती हैं। ये जो लिम्फोमा ब्लड कैंसर होता है, वो हमारे एक ही अंग को प्रभावित नहीं करता है, ये कई अंगों को प्रभावित करता है। जो ब्लड इन्फेक्शन होता है, वो मेनली दो तरीके का होता है, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। जो लिम्फोमा होता है, वो ब्लड इन्फेक्शन लिम्फोसाइट्स में शुरू होता है, और जो ल्यूकेमिया होता है, वो बोन मैरो के अंदर जो खून होता है उनकी कोशिकाओं में शुरू होता है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। लिम्फोमा ब्लड इन्फेक्शन दो तरीके का होता है, नॉन होजकिन और होजकिन। इन दोनों के दोनों लिम्फोमा के टाइप्स की शुरुआत अलग अलग लिम्फोसाइट्स में होती है। इसके अलावा जो इनकी ग्रोथ है, इन लिम्फोमा की ग्रोथ है, वो अलग अलग तरीके से होती है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों में लिम्फोमा ब्लड कैंसर का खतरा बना रहता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, होजकिन लिम्फोमा 15 वर्ष से 40 वर्ष के इंसान या फिर 55 वर्ष के इंसान में होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। जिन लोगों को HIV है और उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको लिम्फोमा का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों की जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो बहुत कम होती है। अगर किसी को भी, परिवार में किसी को भी लिम्फोमा पॉजिटिव है, यानी कि लिम्फोमा है, तो उससे आपको भी हो सकता है, उसके चांस होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब लिम्फोमा ब्लड इन्फेक्शन हमारे होता है। अगर कोई लिम्फोमा पॉजिटिव है, तो उसमें खांसी और सांस लेने में दिक्कत, या फिर सांस फूलने लगता है, या बुखार आने लगता है, और रात में सोते वक्त अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, थकान होती है, और अचानक ही अपना जो वेट होता है हमारा, वो भी घटने लगता है, खुजली और जलन भी होने लगती है। ये हैं लिम्फोमा ब्लड इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स जो कि लिम्फोमा पॉजिटिव में हमें देखने को मिलते हैं। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।